हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 टीवीएस इनटॉर्क 125 रेस एक्सपी ब्लैक एडिशन। जी हां दोस्तों, और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ यहां पर एक रिव्यू शेयर करूंगा क्या यहां पर चेंज हुई है, प्राइस अभी आपको क्या पे करनी होगी, कितनी यहां पर आपको वेरिएंट देखने को मिलेगी, सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे। साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में भी बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए कि 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप लोग यहां पर इस स्कूटर को खरीदना चाह रहे थे, एक स्पोर्टी स्कूटर खरीदने की आप यहां पर आशा रख रहे थे, तो ये स्कूटर आप लोगों के लिए खरीदना कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर रिव्यू की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले की के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले आप लोगों को टीवीएस के लोगों के साथ नॉर्मल की मिलता था, यहाँ पर इस कलर के साथ यही आप लोगों को मिल रहा है, बाकी कोई चेंज हुई नहीं। और ये जो कलर है ना, जो पहले आप लोगों को मिल रहा था मार्केट में, अभी भी आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ कंपनी ने यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक एडिशन, इसको भी कंपनी ने अभी यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को कलर की 360 व्यू जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज आप लोगों को यही मिल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए मतलब ब्लैक ही है कंप्लीटली, लेकिन बस फर्क इतना है कि कहीं पर आप लोगों को मैट मिल रहा है, कहीं पर आप लोगों को ग्लॉसी मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर इनटॉर्क की कंप्लीट यहाँ पर जो स्टिकरिंग है वो आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट पर अगर आप लोग देख रहे हैं, ग्लॉसी एंड मैट ब्लैक कलर की जो कॉम्बिनेशन में विद दिस ट्राइकलर टच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन टीवीएस की लोगो, अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर ग्लॉसी और मैट ब्लैक कलर का टच मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर स्टिकरिंग आप देख पा रहे हैं, अगेन ग्लॉसी ब्लैक आप लोगों को मिल रहा है, रेड कलर की आप लोगों को अलॉय व्हील मिल रही है, और 125 रेस एक्सपी कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग मिलेगी, टीवीएस रेसिंग की स्टिकरिंग यहाँ पर, काफी बड़ा सा आप लोगों को लेग रूम जो है वो भी मिल रहा है। अगेन देखिए यहाँ पर ग्लॉसी एंड मैट ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल रहा है, रेस की यहाँ पर आप स्टिकरिंग देख पा रहे हैं, और यहाँ पर पहले की तरह अभी भी ये जो इनटॉर्क 125 की ये जो 3D आप कह सकते हैं लोगो देख सकते हैं, 3D है ये आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो रियर सेक्शन से कुछ इस तरीके से दिखेगी, अगेन यहाँ पर ये टीवीएस की लोगो मिल रही है, और आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है, पीछे जो पकड़ के मतलब पीछे जो पिलन बैठे उसको पकड़ के बैठने के लिए भी दिया गया है, और राइट एंड लेफ्ट में बहुत ज़्यादा कोई आप देख सकते हैं व्यू या कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर इसको प्रीमियम टच देने के लिए आप देख सकते हैं ये जो आप कह सकते हैं डुअल स्टिचिंग है वो भी कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो रेस एक्सपी या फिर इनटॉर्क की जो आप कह सकते हैं ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर ये कॉकपिट व्यू जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी ओवरऑल लुक आपको लगी कैसी वो नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी वेरिएंट के बारे में बताऊँ तो मोटा मोटा 5 वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा। बेस मॉडल आप लोगों को इनटॉर्क 125 में मिलेगा, एंड देन अगर आप लोग नेक्स्ट वेरिएंट में आते हैं रेस मॉडल आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, इनटॉर्क 125 रेस मॉडल, वहाँ पर 115,500 तक उसकी अप्रॉक्सीमेट प्राइस आती है। देन आप लोगों को ये जो आप कह सकते हो सुपर स्क्वाड एडिशन है वो मिल जाएगी, उसकी प्राइस अराउंड 117,500 के आसपास आ जाती है, तो अगेन 2,000 रुपये का डिफरेंस है रेस मॉडल में और आप कह सकते हो सुपर स्क्वाड मॉडल में। देन आप लोगों को यहाँ पर जो रेस एक्सपी ये वाली मॉडल है ये आपको देखने में मिलेगी, प्राइस यहाँ पर आप लोगों को पहले आप लोग इस मॉडल के लिए मतलब इस कलर के लिए जितना पे कर रहे थे वही आप अभी पे कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, 119,000 तक। एंड देन अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाते हैं तो 128,000 तक आप पे करेंगे, तो आप कह सकते हैं 9,000 से 10,000 रुपये तक का जो प्राइस गैप है वो आप लोगों को यहाँ से रेस एक्सपी से आप लोगों को XT मॉडल में देखने को मिलेगी। XP से आप एक्स्ट्रा पावर कह सकते हैं और XT से आप लोग एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी मानकर चल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो चीज़ आप लोगों को बेहतरीन देखने में मिलती है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी बाइक मतलब ये जो स्कूटर है कलर के बारे में आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि ये ब्लैक कलर आप लोगों को सही लग रही है या कि पहले की जो रेड कलर कॉम्बिनेशन था वही आप लोगों को बेहतरीन लगती थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चीज़ें आप लोगों को मिल क्या करी है। सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो की है इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं ऑन, और जैसे आप लोग ऑन कर रहे हैं यहाँ पर ये जो DRL है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल जलता हुआ दिख रहा है। और एक बात है, यहाँ पर आप लोगों को बल्ब की ही सही लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टर्न इंडिकेटर्स है मतलब हैजार्ड लैंप का जो ऑप्शन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और अगर आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर बंद भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको स्विच करके बता दूँ, ये देखिए ये हो गया हाई बीम, देन ये लो बीम, एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। अब इसको अब खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को जो किल स्विच है ना वो भी देखने में मिल रहा है, तो ये सबसे बढ़िया बात आप कह सकते हैं। अब इसको करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 100x80 सेक्शन की जो टायर आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट है, काफ़ी चौड़ी टायर 100x80 सेक्शन की विथ
12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को मिलेगी। बाकी अगर आप लोग इसकी सेफ्टी देख रहे हैं तो SBT मिलता है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जब आप रियर ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी कायदे से अप्लाई होती है ताकि यहाँ पर ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाया जा सके। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 220mm की ये जो पेटल डिस्क है ये मिल रहा है। अब पेटल डिस्क से खासियत ये बनता है कि जब आप ब्रेक कर रहे होते हैं यहाँ पर हीट जनरेट होती है, हीट को बाहर फेंक के पेटल डिस्क ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये डिजाइन को कंपनी पेटल डिजाइन कहती है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, टेलीस्कोपिक फोक ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है जो आप लोगों को पहले मिला करता था। एंड देन अगर आप लोग इसकी यहाँ पर मिड पोर्शन पे आते हैं तो काफ़ी बड़ा सा जो लेगरूम है वो आप लोगों को मिल रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी हाइट क्लोज टू 6 है लेकिन जब मैं इस पर बैठ रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर पैर बहुत जगह यहां पर बची है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 6'1" 2" तक की भी है ना, पैर रखने में आप लोगों को यहां पर बहुत ज़्यादा कोई जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को यहां पर फील नहीं होगी। एंड देन अगर आप लोग यहां पर कुछ टांगना वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए जो हुक वगैरह है वो भी आप लोगों को यहां पर मिलता है, ठीक है। और अगेन कहूँगा यहाँ पर भी एक चीज़ आप लोगों को, यहाँ पर जो हुक जैसा है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेग रूम आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिलेगी और एक्सेसरीज के हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो ग्लव बॉक्स वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ तो करीबन 21 liters तक की यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देखिए, तो एक छोटा सा हेलमेट आप यहाँ पर बिल्कुल रख सकते हैं और कुछ सामान वगैरह अगर स्टोर करना चाहते हैं, अगर कुछ छोटा मोटा अगर आपने शॉपिंग वगैरह करी है तो वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, बाकी पहले भी आप लोगों को मिलता था तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल पा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, इसको बंद करते हैं तो एक छोटा सा हेलमेट और अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर करना चाहते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर ईजिली हो सकती है। और अगर आप लोग इसको लेफ्ट यहाँ पर प्रेस करते हैं तो 5.8 लीटर्स की यहाँ पर जो पेट्रोल टैंक है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग माइलेज देखते हैं दोस्तों तो करीबन 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग ने अगर यहाँ पर ये रेस XP XT या फिर कोई भी यहाँ पर इंटॉर्किंग मॉडल यूज़ करी हुई है तो माइलेज आपको कितना मिली है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। और साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ बताना चाहूँगा वो है अबाउट इंजन। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो व्यू है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी जो लेफ्ट पोर्शन से व्यू है ये बता दो आप लोग, यहाँ पर इंजन की जो बेटर आप देख सकते हैं, जो पूरा आप कह सकते हैं विजुअलाइजेशन वो आप लोगों को मिलेगा। बाकी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो किक स्टार्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी इतनी स्पोर्टियर होने के बाद भी ये चीज़ कंपनी ने यहाँ से नहीं हटाई है, ये काबिल तारीफ वाली बात है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को वही इंजन मिल रही है काफ़ी हद तक जो आप लोगों को रेडर में मिलता है, 124.8 cc 3-valve एयर कूल फिलिनेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेडीज स्कूटर्स जो है वो भी काफ़ी तगड़ी वाली आप लोगों को मिल रही है। एंड देन पावर फिगर 10.2 PS तक की आप लोगों को मैक्स टॉर्क और 10.8 Nm तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी मैं कह दूँ ये सिर्फ रेस XP में ही आप लोगों को 10.2 PS की मिल रही है, अगर आप लोग नॉर्मल इंटॉर्क 125 या फिर रेस मॉडल या फिर सुपर स्क्वाड XT मॉडल वहाँ पर आप लोगों को 9.5 PS तक की मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर जो बेटर आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है आप लोगों को यहाँ पर बेहतर देखने में बिल्कुल मिल जाएगी। बाकी आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट है। और कहीं ना कहीं 125 cc में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी ये स्कूटर लाजवाब निकाल कर बिल्कुल देती है। और वहीं अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो रियर में आप लोगों को 130mm की ये जो आप कह सकते हैं ड्रम एडिशन है यही आप लोगों को मिलेगा, चाहे आप कोई से भी यहाँ पर एडिशन में चले जाए। एंड सस्पेंशन में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सस्पेंशन है, ठीक है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन यही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, यहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, एक बार इसको ऑन करके अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रियर में कुछ इस तरीके से यहां पर आप लोगों को जो LED टेल लैंप वगैरह ये आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आप लोग यहां पर ये टर्न सिग्नल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो रियर में कुछ इस तरीके से ये भी आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। बाकी टेल टाइडी काफी लंबी है तो कीचड़ ऊपर उछल के जाने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी आप कह सकते हैं कि काफी हद तक कम हो जाती है। तो कंप्लीट चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। और सीट की अगर हाइट के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो 770mm के आसपास है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है ना, 5'1" तक की भी है तो भी मेरे ख्याल से आपको बैठने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब मैनेज करने में, क्योंकि ये एक चीज़ देखिए ये ना सामने जाते जाते काफ़ी पतली हो जाती है तो नीचे पैर रखने का जो मतलब प्रॉब्लम होता है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस नैरो डिज़ाइन। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा अराउंड 155mm तक की मिल रही है। और टैंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है 5.8 liters के आसपास आती है। एंड देन माइलेज आप लोगों को अराउंड 40-45 मिल जाएगा। और ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो 116 kg है, लेकिन यहीं पर अगर आप लोग सिर्फ रेस एक्सपीडिशन को देख रहे हैं तो उसी की आप लोगों को 116 मिलेगी। और जो बाकी चार मॉडल आप लोगों को मिलते हैं वहाँ पर आप लोगों को करीबन 111 kg के आप लोगों को मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 kg आप लोगों को चीज़ें
भारी बिल्कुल देखने में मिल रही है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं ये हैंडल बार है या फिर जो कॉकपिट वाला व्यू है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप लोग यहाँ पर ये आईना देख रहे हैं तो काफ़ी बेटर व्यू आप लोगों को निकाल कर देती है। रियर की अगर बात करी जाए, बाकी इसकी राइट की वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगी, तो उसके लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो में एक लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। इसको पहले सबसे पहले ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मतलब कह सकते हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच आप लोगों को मिल रहा है। एक और बेहतरीन बात है, अगर आप लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं, अगर आप लोगों को बाइक पार्क करनी है स्कूटर, तो बस रियर उसको प्रेस करके ब्रेक को, ये वाली जो चीज़ है इसको आप अगर प्रेस कर देते हैं तो अब बस आपकी स्कूटर आगे पीछे हिलेगी नहीं। और जैसे आप लोग अगर इसको प्रेस करते हैं तो आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। तो हिली एरिया में जहाँ पर इंक्लाइन पे आप स्कूटर को पार्क करना चाहते हैं तो रियर से वो खिसक जाती है, तो उससे भी आप लोगों को यहाँ पर छुटकारा मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर जो टर्न सिग्नल है इसके लिए स्विच आपको मिल रहा है, हॉर्न काफ़ी लाउडर है। राइट साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं इंजन किल स्विच है। एंड देन यहाँ पर आप लोग को हजार्ड लैंप का स्विच मिल रहा है और नीचे है यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी यहाँ पर ना आप लोग को ये वॉइस रिकॉग्निशन जो चीज़ है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी, तो एक बार इसकी जो आवाज़ है ना वो भी आप लोग सुन लीजिए। बाकी इस साइड पर आके मैं आपको सुनाता हूँ। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मेटालिक जो चीज़ है ये भी आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। ये जो आप एग्जॉस्ट गार्ड देख पा रहे हैं ये भी मेटालिक है। अब ये थ्री वाल्व है तो आवाज़ इसकी सुननी बनती है। चलिए अब मैं आप लोग को इसकी जो साउंड है वो भी सुना दूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो आवाज़ है वो भी सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों को आवाज़ कितनी सही लगी? बाकी देखिए अगर मैं अपना यहाँ पर ओपिनियन बताऊँ तो काफ़ी रिफाइनमेंट जो है ना वो आवाज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। बाकी ये जो रिफ्लेक्टर वगैरह है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही साइड में देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी मीटर कंट्रोल के बारे में। इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं बैठ जाता हूँ। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक बार इसको ऑफ करके ऑन करते हैं। जैसे आप ऑन कर रहे हैं यहाँ पर देखिए पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप जैसे आती है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को देखिए हेलमेट पहनने को कह रही है, ट्रिप वगैरह आप लोगों को दिखा रही है। और यहाँ पर मोड और सेट का दो बटन आप लोगों को मिलेगा। ट्रिप आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही है। एंड देन देखिए दो मोड आपको मिलेगा, रेस मोड एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट स्टार्ट अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो सारी मिलेगी। एंड देन स्ट्रीट मोड मिलेगा। अब फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है स्ट्रीट मोड और रेस मोड में, फर्क अगर आपको पड़ेगा तो ये देखिए रेस मोड में सिर्फ ये जो टाइमर वगैरह है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। आप देख सकते हैं कितनी किलोमीटर आ रही है, टाइम यहाँ पर दिखाती है 0 to 60, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर स्ट्रीट मोड में चलाते हैं तो ट्रिप वगैरह जो चीज़ें हैं जैसे ट्रिप ए ट्रिप बी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा देती है, ओडोमीटर कितना है। एंड देन यहाँ पर जो फ्यूल गैस सेंसर वगैरह है वो तो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख ही रहा है। बाकी यहाँ पर एंटोर की जो लोगो है वो भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट की यहाँ पर स्टिकरिंग करी गई है, तो टर्न बटन नेविगेशन कॉल एसएमएस जो चीज़ है वो भी आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप अपने मोबाइल को इस कॉन्सोल के साथ कनेक्ट करते हैं। और आईना अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी आप लोगों को रियर व्यू काफ़ी बढ़िया ही बिल्कुल निकाल कर दे देती है। तो देखिए दोस्तों मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि स्कूटर के हिसाब से अगर आप लोग 125 सीसी में देख रहे हैं और अगर आप लोग एक स्पोर्ट्स स्कूटर चाह रहे हैं, ठीक है, बाकी आप लोगों को और भी कई ब्रांड यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप इसी की सिबलिंग को देखते हैं तो आप लोगों को जुपिटर मिलेगी जो थोड़ी सी वो आप कह सकते हैं मतलब वो कम्यूटिंग सेगमेंट के लिए बनी है। देन अगर आप लोग एक्टिवा वगैरह में जाते हैं तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी देखने में। देखिए सब स्कूटर अच्छे हैं 125 सीसी के हिसाब से, ठीक है, अगर देखा जाए तो कोई भी स्कूटर मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप लोग एक स्पोर्टी स्कूटर चाह रहे थे जहां पर आप लोगों को माइलेज भी आप लोगों को 40-45 तक की मिले, देखने में भी स्पोर्टी लगे, और ये जो ब्लैक कलर है ये अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप लोग यहाँ पर 1,15,000-20,000 तक खर्चा करना चाह रहे हैं, रेक्स एक्सपी 125 ये वाली एंटॉर की एडिशन अगर आप लोग खरीद रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत सही आप लोग यहाँ पर डिसीजन बना रहे हैं। बाकी स्पोर्टी दिखने में भी है और चलाने में भी आप लोगों को स्पोर्टी फील होती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, अब आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा कि एंटॉर रेस एक्सपी 125 एडिशन आप लोग खरीदना चाहेंगे या फिर इसकी और जितनी एडिशन है या फिर एक्सटी हो गई वो खरीदेंगे, या फिर अगर आप एक्टिवा या फिर आप जुपिटर पर जाना चाहेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना, प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।